इस वाले सवाल को करते हैं ये ये इंपॉर्टेंट है ठीक है नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन तो जो ये शेडेड पोर्शन है उसका आपने एरिया निकालना है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द डायमीटर ठीक है डायमीटर निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल ओके थ्योरम तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस डायग्राम को ठीक है इसमें ये सिक्स है, है ठीक है आपको बट हाइपोटी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और यहां से विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस इज नाइन्टी डिग्री ना सो so सिक्स रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस बेस सिक्स स्क्वायर ठीक है इसको इजी करने के लिए फिल टेक जाएगा सिक्स रूट स्क्वायर इंटू थ्री प्लस सिक्स स्क्वायर इसको इजी करने के लिए टेक सिक्स स्क्वायर कॉमन दिस विल बी थ्री प्लस वन ठीक है और एच विल बीज टू रूट ऑफ सिक्स इंटू फोर सो ये कैलजी करने के लिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ ठीक है सो एच विल बी सिक्स स्क्वायर का सिक्स आ जाएगा और फोर का टू आ जाएगा सो so, एच कितना जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व यूनिट्स ठीक है तो जैसे ये ट्वेल्व यूनिट्स आया ठीक है जैसे ट्वेल्व यूनिट्स आया हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल देते हैं ठीक है एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी हाफ इंटू पाई इंटू आर दिस विल बी हाफ इंटू पाई इंटू आर रेडियस विल बी सिक्स थर्टी सिक्स तो ये कितना जाएगा एटीन पाई ठीक है एटीन पाई विल बी द एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इसको मैं लार्ज लिखता हूँ

राइट एंगल ट्राइंगल ओके सो दट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल सो हाफ इंटू बेस बेस इज हाउ मच सिक्स इंटू हाइट इज हाउ मच सिक्स रूट थ्री यूनिट्स ठीक है तो ये कितना जाएगा टू थ्री जिस विल बी एटीन रूट थ्री यूनिट स्क्वायर ठीक है सो एरिया ऑफ राइट एंगल भी आ गया अब मुझे क्या निकालना है आई हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो दिस स्मॉल सेमी सर्कल ठीक है ये जो स्मॉल सेमी सर्कल है इसका एरिया भी निकालना है इसका एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखना है इस चीज को ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट इस एरिया को निकालने के लिए वट यू नीड बेसिकली आपको एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा सेंटर पॉइंट से आपको एक रेडियस लेना पड़ेगा ऐसे और ये रेडियस भी सिक्स होगा ठीक है ये रेडियस भी सिक्स होगा और ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है तो ये इक्वेलेट टू ट्राइंगल है लेकिन यहां से मैं कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकता हूं इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ऐसा है ना ये इस तरीके से है अब मुझे ये एरिया निकालना है ठीक है ये एरिया निकालना है मुझे तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से और इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं ठीक है तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है 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 ठीक है दिस दिस एंगल विल बी सिक्सटी डिग्री वाई दिस एंगल विल बी सिक्सटी डिग्री क्योंकि ये एक एक कैसा ट्राइंगल है दिस ट्राइंगल इज अज इक्विलेटर ट्राइंगल ठीक है ओके सो वट विल द एरिया ऑफ सेक्टर पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थ्री थीटा वाई थ्री सिक्सटी ठीक है थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू इंटू एरिया ऑफ सर्किल ठीक है आप इसको थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू एरिया ऑफ सर्किल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर ठीक है सो थीटा इज हेयर सिक्सटी डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर रेडियस इज सिक्स स्क्वायर ठीक है और सिक्स इंटू सिक्स ऑल्सो यू कैन राइट सो सिक्सटी सिक्स टाइम्स ओके तो यहाँ से कितना आ गया यहां से ही आ गया और इस सिक्स से एक सिक्स कैंसिल तो यहां से ही आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आ गया सिक्स पाई दिस मच इज क्लियर इज दिस क्लियर और नॉट ओके दिस इज क्लियर देन नाउ वट यू हैव टू कैल्कुलेट बेसिकली अब यहां से अगर आप एरिया ऑफ इक्विटर एरिया ऑफ इक्विटर ना रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर सो दिस बी रूट थ्री बाई फोर इंटू ए ए इज नथिंग बट द साइड तो ये, ये कितना यह है सिक्स स्क्वायर इंटू सिक्स इंटू सिक्स ठीक है सो टू थ्री ज़ा टू टू ज़ा टू थ्री ज़ा सो दिस विल बी थ्री थ्री जन नाइन रोट थ्री ठीक है दिस विल बी नाइन रोट थ्री स्क्वायर यूनिट ओके तो ये सारी स्क्वायर यूनिट्स में आएंगे एरिया है दिस मच इज क्लियर ओके चलो ठीक है तो अब हमारा अब यहां से ये जो ये जो स्मॉल सेमी सर्किल है ना स्मॉल सेमी सर्किल का एरिया बहुत ईजली आ जाएगा ठीक है

सेमी सर्किल विल बी एजी गडो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया हमारा सिक्स पाई माइनस नाइन रूट थ्री ठीक है ये क्या आ गया एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल ओके और अब इजी अब ये क्वेश्चन इजी हो गया हमारे अब हमें क्या निकालना है दिस शेडेड पोर्शन तो अगर हम टोटल सेमी सर्कल जो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकाला एटीन पाए इसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें इसमें से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें ठीक है प्लस ये स्मॉल सेमी सर्कल माइनस कर दे सो वी विल गेट ठीक है देयर फोर द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इट इज नथिंग बट एटीन पाई इज इस पाई से आपको क्या माइनस करना है फ्रॉम दिस एटीन पाई यू हैव टू माइनस द एरिया ऑफ बोथ ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज दिस स्मॉल सेमी सर्कल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एटीन रूट थ्री एटीन रूट थ्री प्लस द एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल दिस इज निक्स पाई माइनस नाइन रूट थ्री ठीक है ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो दिस बी एटीन रूट थ्री माइनस नाइन रूट थ्री विल गिव मी नाइन रूट थ्री ओके एटीन माइनस नाइन विल गिव मी नाइन रूट थ्री ओके प्लस सिक्स पाई ठीक है अगर मैं माइनस साइन खोलूँगा दिस विल बी एटीन पाई माइनस नाइन रूट थ्री और दिस विल बी माइनस सिक्स पाई सो दिस विल बी ट्वेल्व पाई माइनस नाइन रूट थ्री ठीक है वहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी ठीक है ओके और यहाँ पर इफ विल टेक अगर दोनों में आप देखोगे वट इज़ कॉमन थ्री इज कॉमन ठीक है थ्री कॉमन लोगे तो दिस विल बी फोर पाई माइनस थ्री रूट थ्री ठीक so okay? so right okay? so, है टेक थ्री कॉमन सो थ्री पाई माइनस सॉरी फोर पाई माइनस थ्री रूट थ्री ओके सो बी इज द राइट आंसर स्क्वायर यूनिट्स ओके अंडरस्टूड सो ये शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आया दिस यू हैव टू कैलकुलेट ओके शेडेड पोर्शन का कैसा आया दिस दिस इज नथिंग बट इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं ठीक है आप लोग के दिस एटीन पाइज नथिंग बट एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किले लार्ज है इस लार्ज सेमी सर्किल में से मुझे किसको माइनस करना है दिस वट इज दिस एटीन रूट थ्री ये राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे बनाता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और ये जो ये है ये क्या है ये स्मॉल सेमी सर्किल है ये स्मॉल सेमी सर्किल है ठीक है चलो वेरी गुड ओके सो वी हैल्सो ठीक है